ये मेरा स्टडी रूम है और हम स्टार्ट करते हैं मेरी स्टडी टेबल से। यहाँ पर सबसे पहले मैंने विजुअलाइजेशन के लिए अपनी एक इमेज बनाई हुई है, जिसमें मैं एज एन आईएएस ऑफिसर अपने ऑफिस में बैठी हुई हूँ। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो बेस्ट गाइड है यूपीएससी के लिए वो हमारा सिलेबस है। सो यहाँ पर मैंने GS1, GS2 एंड GS3 का सिलेबस लगाया हुआ है। और जैसे कि यूपीएससी की जर्नी 2 से 3 साल की होती है, सो टाइम मैनेजमेंट के लिए एक स्ट्रेटेजी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेटेजी से आपको पता चलता है कि आपको कब कौन सा टारगेट कितने टाइम में कंप्लीट करना है। सो यहाँ पर ये मेरी डेली टू डू लिस्ट है, जिसमें मैं अपने डेली के टारगेट्स लिखती हूँ कि मुझे आज क्या पढ़ना है। और यहाँ पर जो है ये मेरी मंथली टू डू लिस्ट है कि मुझे इस मंथ में कितने टॉपिक्स और क्या क्या चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे फिर मेरा स्टेशनरी का सामान है, हाइलाइटर्स हैं, पेन्स हैं, कलर पेन्स हैं, ब्रश पेन्स हैं, यहाँ पे ये मोर पंख है। और ये वाली जो वॉल है ये पूरी मेरी मोटिवेशनल वॉल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी की जर्नी में मोटिवेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको हर दिन मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। सो जब भी मैं थोड़ा बहुत भी डिमोटिवेट फील करती हूँ, सो मैं यहाँ पर देखती हूँ और ये कोट्स पढ़ के मुझे सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये वाला जो है ये मेरा मोस्ट फेवरेट कोट है, इट सेज स्टडी हार्ड नो मैटर इफ इट सीम्स इम्पॉसिबल, नो मैटर इफ इट टेक्स टाइम, नो मैटर इफ यू हैव टू अप ऑल नाइट, जस्ट रिमेम्बर दैट द फीलिंग ऑफ सक्सेस इज द बेस्ट फीलिंग इन द एंटायर वर्ल्ड। और फिर ये वाला जो है ये एक बहुत जरूरी है, दीज 5 AMs विल मेक यू अ लेजेंड वन डे, बिकॉज सुबह उठना काफी मुश्किल होता है। सो ये कोट बहुत मोटिवेट करता है मुझे सुबह जल्दी उठने के लिए। ऑल्सो दिस वन, सेट अ गोल दैट मेक्स यू वॉन्ट टू जम्प आउट ऑफ द बेड इन द मॉर्निंग। और फिर यहाँ पर ये जो है ये कुछ लबसना के पिक्चर्स हैं, और इधर साइड पर ये सारे प्रिंटेड कोट्स हैं, और फिर यहाँ पर कुछ और मोटिवेशनल कोट्स हैं, और ये वाला भी मुझे काफी पसंद है, इट सेज यू डोंट ऑलवेज नीड मोटिवेशनल और क्यूट गुड मॉर्निंग मैसेजेस, समटाइम यू नीड दोज हार्ट हिटिंग रियलिटीज टू रियली वेक यू अप। और जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि मैपिंग का यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस होता है। यहाँ पर फिर इंडिया का पॉलिटिकल मैप है और यहाँ पर वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पढ़ते टाइम कभी कभी होता है ना कि कुछ कंट्री देखना है या कौन किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, एकदम से डाउट आ जाता है। सो ये चीज आंखों के सामने होना बहुत जरूरी है, ये बहुत हेल्प करता है जब भी हम पढ़ते हैं उस टाइम पे हमें। यहाँ पर फिर मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का चार्ट लगा के रखा हुआ है। यहाँ पर वर्ल्ड का फिजिकल मैप है, यहाँ पर फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चार्ट है, और यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया का चार्ट है। ये सारी चीजें जब आंखों के सामने यहाँ पे लगी रहती है ना तो रिवाइज करने में बहुत आसानी होती है, लाइक बहुत इजीली आप चलते फिरते देखते हुए चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। फिर इस सेक्शन में आते हैं, यहाँ पर मैंने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मैप लगा के रखा हुआ है, और यहाँ पर है जो नेशनल पार्क्स का मैप है। यहाँ पे ये हैंड ड्रॉन है, जिससे मेरी खुद की प्रैक्टिस भी होती है खुद से ड्रॉ करने में, और मुझे इजीली चीजें देख के यहाँ पर जब लगी रहती हैं तो बहुत इजीली याद होता है। लाइक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इससे इजी कुछ तरीका हो नहीं सकता चीजों को याद करने का, लाइक आई रियली डोंट थिंक कि इससे इजी कुछ है। आप इस तरीके से मैप्स को अपने वॉल पे लगा लीजिए और फिर रिवाइज करते रहिए, बस देखते रहिए रोज 2, 5 मिनट, 10 मिनट जितना आपको टाइम मिलता है बस इसे देखिए, और रिवाइज करते करते ऐसे आपको ऐसे ही चीजें याद हो जाएंगी, मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना पड़ता इस चीज में। बस अपनी आंखों के सामने रखिए और इसे रिवाइज करते रहिए रोज डेली देखते रहिए, थोड़ा बहुत टाइम दीजिए इसे 5 से 10 मिनट, और आपको चीजें बहुत इजीली याद हो जाएंगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई हुई है कि मैं जब भी डेली 5 से 10 मिनट यहाँ पे आती हूँ और ये सारे टॉपिक्स एक बार देख लेती हूँ कि हाँ इस कंट्री में मुझे